Hello friends, so let us continue with the financial management. Let us what we were discussing about working capital management, right? So what is working capital management that we have discussed, right? Management of the working capital, that is the management of the day-to-day expenses, that how we have to arrange the money for meeting our day-to-day expenses. और इसकी requirement होती क्यों है, हमने वो भी देखा. क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास एक concept है, एक cycle है, जिसको हम बोलते हैं operating cycle. So there is an existence of operating cycle because of which we have to go for the working capital. जिसकी ऑपरेटिंग साइकिल की एग्जिस्टेंस के कारण हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है जी. तो ऑपरेटिंग साइकिल हम लोगों ने समझ लिया था कि कितनी देर के लिए मेरा पैसा रॉ मटेरियल में इन्वेस्टेड है, ठीक है, कितनी देर के लिए वर्क इन प्रोग्रेस में है. तो उस पीरियड में जो मुझे एक्सपेंसेस करने हैं वो मुझे कैसे मीट करने हैं, दैट इज़ टू बी मेट थ्रू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो पीरियड आइडेंटिफाई किया कि कितनी कितनी देर के लिए मेरा पैसा अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टेड है. इन्वेंट्री में कितनी देर रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितनी देर रहता है, फिनिश्ड गुड्स तैयार होके गोडाउन में कितनी देर पड़े रहते हैं मेरे, और फिर सेल करता हूँ तो मैंने अपने डेटर्स को पीरियड क्या दिया है, जिससे मैंने परचेस किया है वो क्रेडिटर ने मेरे को पीरियड क्या दिया, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट पीरियड क्या अलाउड है मेरे को. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं मेरा एक ऑपरेटिंग साइकिल. और ये ऑपरेटिंग साइकिल हमारा कहीं पर भी ब्रेक ना हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. क्लियर. देन इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी स्टार्टेड विद, वी स्टार्टेड विद द एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने क्या किया, मैंने कहा मैंने पीरियड आइडेंटिफाई कर लिया कि कितनी कितनी देर के लिए मेरा पैसा ब्लॉक्ड है रॉ मटेरियल में, WIP में, फिनिश्ड गुड्स में, डेटर्स में. लेकिन मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि उस पीरियड में मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं जो मुझे वर्किंग कैपिटल जिसके लिए मुझे चाहिए होगी. ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या लिए, अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ तो मैंने एक तो करंट एसेट्स की बात की, करंट एसेट्स में मैंने रॉ मटेरियल की भी बात की, मैंने WIP की भी बात की, राइट, मैंने फिनिश्ड गुड्स की भी बात की, मैंने डेटर्स की भी बात की. मैंने कहा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, मैंने कहा लाइबिलिटीज़ भी कैलकुलेट कर लो अपनी. ठीक है, बचेगा क्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. मैंने कहा इसमें अपना सेफ्टी मार्जिन ऐड करो, इसमें क्या ऐड करो, सेफ्टी मार्जिन, तब जाकर आपकी बनेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है जी. तो मैंने कहा कि वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, मैंने कहा मेरे करंट एसेट्स कितने हैं, सॉरी करंट एसेट्स, कि मेरे पास करंट एसेट्स ऑलरेडी कितने हैं और मैंने उसमें से लाइबिलिटीज कितनी देनी है. ठीक है, तो बाकी जो बचेगा कि मेरे पास पैसा है ऑलरेडी जेब में, मैंने कहा उसमें कुछ ना कुछ सेफ्टी मार्जिन और ऐड करो. मैंने कहा मैंने किसी का एक रुपया देना है तो एक रुपया क्या है मेरी करंट लाइबिलिटी है, तो मैंने कहा मेरे पास कैश है, मेरे पास एक रुपये का कॉइन है. मैंने किसी को 1 रुपी देना है, मेरे पास 1 रुपी का कॉइन है, माइनस किया 0 हो जाएगी मेरी. ठीक है, लेकिन मैंने कहा अगर किसी को 1 रुपया देना है तो अपनी पॉकेट में 1 रुपये का सेफ्टी मार्जिन भी रखो प्लस 1, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हुई, 1 रुपी की. ठीक है जी, क्योंकि अगर आपने किसी का 1 रुपया देना था, 1 रुपया दे दिया, उसके बाद आपकी पॉकेट में तो कुछ नहीं बचा. अगर कोई इमरजेंसी आ गई, अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि जहां पर आपको 1 रुपया और स्पेंड करना है, तो वो कहां से लेकर आओगे, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो वो आप कहां से लेकर आओगे, सर नहीं ला सकते हम लोग. इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा सा हमें सेफ्टी मार्जिन भी रखना है. क्लियर है. तो अब अगर हमें इसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है वर्किंग कैपिटल का, सर करंट एसेट्स.
स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएंगे, सबसे पहले मेरे पास आएंगे करंट एसेट्स, राइट। अब करंट एसेट्स में अगर हम लोग बात करें तो करंट एसेट्स में आपके पास क्या आएगा, करंट एसेट्स में मेरे पास इन्वेंट्रीज आएंगी, ठीक है। इन्वेंट्रीज की बात करें तो तीनों तरह की, आरएम प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस फिनिश्ड गुड्स, ठीक है जी। फिर आपके पास रिसीवेबल्स आएंगे, हमने ये डिस्कस किया था, रिसीवेबल्स डिस्कस किए थे हमने, रॉ मटेरियल डिस्कस किया, डब्ल्यूआईपी किया, फिनिश्ड गुड्स किया, फिर रिसीवेबल्स किया, फिर हमने कहा कैश बैलेंस, मिनिमम कैश बैलेंस, ठीक है जी। तो ये हमने ले लिया, तो ये मेरे पास क्या आया, सिर्फ करंट एसेट्स की बात की मैंने। और जब भी मैं अगर सिर्फ करंट एसेट्स की बात करूंगा वर्किंग कैपिटल में, तो मेरे पास क्या आएगी इस लेवल पे, मेरे पास क्या आएगी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। हम लोगों ने डिस्कस किया था ये पार्ट, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल वी हैव डिस्कस्ड। तो मेरे पास क्या आई, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब इसमें से अगर मैं अपनी लाइबिलिटीज को रिमूव कर दूंगा, कौन से, पेबल्स, ठीक है जी, जिनको हम क्रेडिटर्स भी बोल देते हैं, फिर हम बोल देते हैं क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। तो ये भी हमने डिस्कस किया क्या कि कैसे कैलकुलेट करना है हम लोगों को, राइट। तो ये मेरे पास क्या आएगी, नेटवर्किंग कैपिटल, राइट। अब वो कहता है कि इस नेटवर्किंग कैपिटल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, वो कैसे, उसने कहा इसमें सेफ्टी मार्जिन लेके चलो, प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्लियर। तो अब जाकर जो मेरे पास आएगी दैट विल बी माय नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैसे डिस्कस कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि सर पूरे साल की रिक्वायरमेंट निकालो, फिर उसको एक मंथ या एक दिन की रिक्वायरमेंट पे लेके आओ, कॉस्ट कि एक मंथ या एक दिन की कॉस्ट कितनी होगी, फिर जितने पीरियड के लिए आपका होल्डिंग पीरियड होगा, मतलब जितना पीरियड आपकी मनी ब्लॉक्ड रहेगी इन्वेंट्रीज में, उतने पीरियड की कॉस्ट निकाल लो कि उतने पीरियड में मेरे को कितने खर्चे होने हैं, जितने खर्चे होने उतनी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका इनिशियल पैसा तो भी ब्लॉक्ड है, वो तो आपके पास वापस घूम के सेल नहीं हुई तो वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको पैसा तो चाहिए ना खर्चे करने के लिए, तो खर्चे करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वर्किंग कैपिटल से आएगा, ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब सर इसमें एक मुझे डिस्कशन करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, किस चीज के ऊपर सर, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी बनती है वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर, वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर। क्या डिस्कशन है सर, मैंने क्या कहा था कि वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, मैंने कहा जब हमने कहा था कि वर्क इन प्रोग्रेस की हम कैसे करते हैं, तो हमने क्या लिखा था, एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, राइट, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स और 365 डेज, तो एक दिन की आ जाएगी। और कितनी दिन मेरा वो ये जो कॉस्ट थी, कितने दिन के लिए पैसा मेरा WIP में रहा, WIP होल्डिंग पीरियड, एवरेज WIP होल्डिंग पीरियड, ठीक है, यही किया था हमने सर। अब हमें अगर WIP की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें WIP के यूनिट्स नहीं दिए हुए, WIP में क्या कॉस्ट थी हमें वो भी नहीं दी हुई, तो सर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो अब जब WIP है, WIP क्या है, मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, उस पीरियड में किस किस चीज पर खर्चा होगा सोचने की कोशिश करो। एक शर्ट बन रही है, ठीक है, एक शर्ट के लिए पहले तो हमने रॉ मटेरियल मंगवा के रखा,
ठीक है जी। अब जब शर्ट बनने का प्रोसेस शुरू हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, ये स्टार्ट पॉइंट है एक शर्ट बनने के लिए, और ये है मेरा एंड पॉइंट जब वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पीरियड में क्या है, मेरी वर्क इन प्रोग्रेस। अब इस पीरियड में मुझे बताओ कि सपोज ये 1 मंथ का पीरियड है, 1 महीना लगता है एक शर्ट बनने को, ठीक है। अब इस 1 महीने में क्या क्या खर्चा होगा वर्क इन प्रोग्रेस में। सर जब हम शर्ट बनाना शुरू करेंगे तो एक तो रॉ मटेरियल होगा हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक हमारे लेबर के एक्सपेंस होंगे, बिल्कुल ठीक है। और क्या होगा, ओवरहेड्स होंगे। अब कॉस्टिंग का पार्ट हम बीच में कवर कर रहे हैं साथ में, तभी मैंने कॉस्टिंग पहले करवाई, क्योंकि कॉस्टिंग का काफ़ी पार्ट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज़ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉस्टिंग भी अच्छे से कर लो, तभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बेटर समझ आएगी, राइट। तो अब जब WIP है, जब गुड्स वो एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर हो रही है हमारी, तो उस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमारे WIP में कौन कौन से खर्चे होंगे। सर रॉ मटेरियल का होगा, सर लेबर का होगा, और रेस्ट अदर ओवरहेड्स होंगे हमारे पास, होंगे या नहीं, ठीक है, क्लियर है, एग्रीएबल है ये चीज़। हमने WIP का कॉन्सेप्ट कहाँ पर पढ़ा था, कॉस्टिंग में, क्या आप बता सकते हो कहाँ पर पढ़ा था हमने। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। वहाँ क्या कहा था हमने कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया और ख़त्म नहीं हुआ, तो इन बिटवीन क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, मैंने कहा ये 3 चीज़ों पे मेरे मेजर खर्चा होगा जब मैं WIP की बात करूँगा, ठीक है। तो हम इसको तो रॉ मटेरियल ही ले लेते हैं। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किया था, तब भी मैंने कहा था कि ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं, रॉ मटेरियल को छोड़ के आपके जितने एक्सपेंसेस हैं उनको हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो उनको हम यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट ही बोल देंगे हम यहाँ पर, क्लियर है। तो जब WIP में हमारा किस किस चीज़ के ऊपर एक्सपेंस होगा, WIP में हमारा रॉ मटेरियल के ऊपर होगा, हमारा लेबर के ऊपर होगा, ओवरहेड्स के ऊपर होगा, ठीक है, क्लियर। तो सर WIP का अगर आपको निकालनी हो कि WIP में कितना एक्सपेंस होता है, तो क्या आप निकाल सकते हो कि अगर ये 1 मंथ WIP में रहता है, मतलब 1 महीना लगता है इस शर्ट को बनने में, तो 1 महीने में मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, मेरी लेबर की कॉस्ट क्या है, और मेरी ओवरहेड्स की कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो अगर आपको WIP की कैलकुलेशन करनी हो तो आप कैसे करोगे, मैं कहूंगा रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा मेरा, मैं कहता हूं 1 महीना लगता है, तो मैं कहूंगा एनुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट, एनुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट, राइट, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। तो मेरे पास क्या आ गई, 1 महीने की कॉस्ट आ गई। तो मैंने कहा 1 महीने की कॉस्ट आ गई तो मेरी WIP की कॉस्ट आ गई, नहीं सर, इससे मेरी WIP की कॉस्ट अभी भी नहीं आई। मैं यहां पर करता हूं इनटू होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड, और इसको हम और भी बोल देते हैं, दैट इज इसको हम और क्या बोल देते हैं, और प्रोसेस पीरियड हम लोग इस भी से बोल देते हैं, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं पर आपको प्रोसेस पीरियड दिया जाएगा तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर होल्डिंग पीरियड, क्लियर। नेक्स्ट, तो हमने कहा कि 1 महीने की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और 1 महीना लगता है WIP को बनने में, तो मेरी कॉस्ट हो गई, सपोज मेरी कॉस्ट थी 12 लाख की, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, 1 लाख इंटू 1, दैट इज द होल्डिंग पीरियड ऑफ WIP। तो मैंने कहा जी 1 लाख रुपए मेरी WIP की कॉस्ट हो गई जो मुझे WIP में कंसिडर करनी है एज रॉ मटेरियल, ठीक है। मैंने कहा गलत है सर, ये क्या हुआ, अभी तो इतना सारी हमने रामकथा पढ़ ली, अभी हमने कह दिया गलत है, क्यों गलत है, हो सकता है, ये तो थी मेरी टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट। अब इस 1 महीने में जब ये WIP में था, कोई ज़रूरी तो नहीं कि मेरा 100% रॉ मटेरियल लग गया होगा 1 महीने में, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि 100 से थोड़ा कम लगा हो मेरा, कि जितना रॉ मटेरियल था सारा के सारा थोड़ी ना लग गया WIP में। तो
डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी है मेरी। तो यहां पर साथ में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जैसे हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कि सर कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो गया, हम उसके बेसिस पे पेमेंट करते थे, वर्क इन वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड निकालते थे हम लोग, राइट। ऑन द सेम बेसिस मैंने कहा कि अगर मेरा रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, मैंने कहा टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसको डिवाइड कर लिया एक महीने की आ गई, तो एक महीने में मेरा WIP होता है। पर मैंने कहा जरूरी तो नहीं कि सारा के सारा रॉ मटेरियल लग गया होगा उसमें, जरूरी नहीं है। तो कितना रॉ मटेरियल लगा उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। उससे यह पता चलेगा कितना रॉ मटेरियल उस पीरियड में लगा, क्योंकि जब कंप्लीट होगा तभी तो रॉ मटेरियल लगेगा। तो मैंने कहा इस पीरियड में, इस एक महीने में सिर्फ मेरा 50% ही रॉ मटेरियल लगा। अगर मैंने कहा 50% रॉ मटेरियल लगा तो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी। तो मतलब तो WIP में मैं कितना लूंगा, 50,000 की कॉस्ट लूंगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जब मेरा लगा ही 50% तो मैं कॉस्ट 100% की कैसे ले लूंगा, जितना लगा उसी की तो कॉस्ट लूंगा उस पीरियड में। क्लियर है, ठीक है जी। तो ये था रॉ मटेरियल। अब आते हैं कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, लेबर ऑब्लिक ओवरहेड्स। तो मैंने कहा एनुअल लेबर ऑब्लिक ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स और 365 डेज, मल्टीप्लाइड बाय प्रोसेस पीरियड और होल्डिंग पीरियड, कुछ भी ले लो। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन से सिर्फ एक सिंपल सी चीज समझो कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन से वो कहता है कि वो जो WIP का पीरियड था एक महीने का, उस एक महीने में मेरी लेबर या ओवरहेड्स कितने यूज हुए, ठीक है, क्योंकि सारे की सारी लेबर एक ही महीने में तो यूज नहीं हो जाएगी ना। वो कहता है जितनी यूज होगी मैं उतना ही तो कंसीडर करूंगा। जब मेरा लेबर, अगर लेबर से मैंने काम नहीं कराया तो क्या मैं उसको पैसे दूंगा, नहीं दूंगा। जब लेबर से काम करवाऊंगा, कितनी देर के लिए मेरी वो लेबर यूज हुई, मैं उतनी देर के ही कॉस्ट तो कंसीडर करूंगा ना। तो उसके लिए मैंने लिया डिग्री ऑफ कंप्लीशन। टोटल कॉस्ट को पहले तो मैंने निकाल लिया कि जितनी देर WIP है उस WIP में कितनी कॉस्ट बनती है। फिर मैंने कहा उसमें से WIP में लगी कितनी कॉस्ट, मैंने कहा 50% लगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट पार्ट ऑफ लेबर और ओवरहेड्स हैज बीन यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। ओनली दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड, द अदर पार्ट विल नॉट बी कंसिडर, ठीक है, क्योंकि जब खर्चा हुआ नहीं तो हम उसको कैसे कंसिडर कर लेंगे सर, नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो हमारी कॉस्ट हुई नहीं अभी तक। अगर पैसे हमारी पॉकेट से गए नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैंने खर्चा कर दिया, नहीं किया। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, क्लियर है। अब सर अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें ना दी गई हो, इफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन DOC इज नॉट गिवन, ठीक है, DOC इज डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, मैं लिख देता हूं यहां पर DOC, ठीक है, इज नॉट गिवन, तब क्या करेंगे, देन एज्यूम दैट रॉ मटीरियल डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 100%, कि रॉ मटीरियल हमने पूरा के पूरा यूज कर लिया, एंड कन्वर्जन कॉस्ट, जो कन्वर्जन कॉस्ट थी उसकी जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन थी दैट इज 50%। क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में यही किया था, सर एग्जैक्टली यही किया था हमने, हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी यही माना था। तो मैं कहूंगा अगर इस टॉपिक से पहले आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का WIP वाला टॉपिक पढ़ लो ना, तो आपको यह टॉपिक और इजीली समझ आ जाएगा, उससे कोरिलेट करो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से इस टॉपिक को कोरिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होता है कि जो रॉ मटेरियल है दैट इज कंज्यूम्ड, होली कंज्यूम्ड, पूरा के पूरा कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये 50% क्यों लेते हैं हम लोग, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। अब इसका मतलब है कि हम लोग बोलते हैं इट इज इवनली यूज्ड थ्रू आउट मंथ,
evenly used throughout month. सर इवनली यूज थ्रू आउट मंथ का क्या मतलब है? मैंने कहा कि मैंने 1st of April 2018 को काम शुरू किया, ठीक है, स्टार्टेड वर्क. जब मैंने काम शुरू किया क्या मेरे पास लेबर का कोई खर्चा था? नहीं था, जीरो. अब 30th of April को जब मैंने एक महीना काम कर लिया तो क्या मेरे पास लेबर का खर्चा आएगा? लेबर का खर्चा आएगा मेरे पास? सर बिल्कुल आएगा, लेबर का खर्चा आएगा. सपोज 10,000 का लेबर का खर्चा हो गया, तो मैंने कहा एवरेज लेबर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ क्या हुए? एवरेज लेबर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ क्या हुए? इज इक्वल टू 0 + 10,000 / 2. जब एवरेज करनी है तो मैं उसका 50% कर दूंगा, 5,000. क्लियर है? तो चाहे उसको इस तरह से समझ लो कि कन्वर्जन कॉस्ट को 50% लेना है, चाहे इस तरह से समझ लो कि जब हम काम स्टार्ट करेंगे. अब इसके आगे भी समझो, मैंने कहा ये जो 10,000 की कॉस्ट बन रही थी, मैंने एक महीना काम किया तो लेबर का एक्सपेंस हुआ 10,000 का. मैंने फर्स्ट ऑफ मई को लेबर की पेमेंट कर दी. लेबर पेमेंट मैंने फर्स्ट ऑफ मई को लेबर की पेमेंट कर दी. कितनी कर दी सर? ₹10,000. तो अब मेरे को 1st of May को मेरे पास बताओ लेबर का कुछ बचेगा क्या? लेबर कुछ और बचा? 10,000 थी, 10,000 पे कर दी, जीरो हो गई. अब 31st of May को आ जाओ. 31st of May को जब एक महीना काम किया तो फिर मेरा लेबर एक्सपेंस खड़ा हो गया 10,000 का, ठीक है. तो अब मई की बताओ मुझे क्या एवरेज होगी? एवरेज लेबर एक्सपेंस फॉर द मंथ 0 + 10,000 / 2, फिर से 5,000 आ गया. सर ये क्यों नहीं कंसीडर किया? सर ये तो था पिछले महीने का खर्चा, ये मैं इस महीने में कैसे कंसीडर करूं? जब मुझे मंथली एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं तो मैं 10,000 पिछले महीने के खर्चे को क्यों कंसीडर करूंगा? ठीक है, तो मेरा एवरेज लेबर क्या है? 5,000. अब सपोज मेरी अगर WIP की होल्डिंग पीरियड 2 months की होगी तो 2 महीने का खर्चा कितना होगा? 10,000. क्लियर है? तो मैंने उसको दोनों तरह से समझा दिया कि अगर आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं भी पता तो आपको किस तरह से लेना है. या तो आप समझो कि उसको एवरेज करके लेना है हमने, कि जो लेबर है और जो ओवरहेड्स हैं वो थ्रू आउट द मंथ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है. स्टार्टिंग में 0 point है. जब मैंने काम स्टार्ट किया उस टाइम पे तो लेबर की कॉस्ट कुछ नहीं थी, 0 थी. लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ जब मैंने एक महीना काम किया तो लेबर को पैसे तो दूंगा एक महीने बाद, कितने? 10,000 रुपए. तो ऑन एन एवरेज एक महीने का मेरा लेबर का कितना है? मैंने कहा 5,000 रुपए है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 था, एंड में 10,000 हो गया. ऑन एन एवरेज मंथ में कितनी लेबर यूज कर रहा हूं मैं? 5,000 की लेबर यूज कर रहा हूं. क्लियर? तो WIP में जब भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन की बात होगी तो चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो. दिस इज वन व्यू, दिस इज सेकेंड व्यू. मैंने आपको दोनों तरह से समझा दिया, ठीक है, क्लियर है. तो अगले महीने में जब उसकी फर्स्ट को पेमेंट कर दी तो लेबर फिर 0 पे आके खड़ी होगी उस महीने की. उस महीने की लास्ट में फिर 10,000 का खर्चा हुआ तो ऑन एन एवरेज कितना हो गया, ठीक है. तो एक महीने में एवरेज खर्चा कितना हो रहा है और जो WIP का होल्डिंग पीरियड है उसमें कितना हो रहा है? एक महीने के एवरेज खर्चे को अगर WIP होल्डिंग पीरियड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो होल्डिंग पीरियड की कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी आपके पास. क्लियर है? ठीक है जी. तो ये WIP का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हमारे पास आ सकता है, आएगा तो ये कंफ्यूज भी करेगा, ठीक है. तो अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लें, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी हम लोगों को. चलो जी. On 1st of January, the managing director of the Noreen Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year. From the following information, prepare the working capital requirements forecast. Production during the previous year was 60,000 units. It is planned that this level of activity would be maintained during the present year. The expected ratios
Of the cost to selling prices, our raw material is 60%, direct wages is 10%, and overheads is equal to 20%. Raw material are expected to remain in store for an average of 2 months before issue to production. इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 महीने क्या दिया गया हमें? सर 2 महीने वो कहता है रॉ मटेरियल हमारा स्टोर में पड़ा रहता है, तो वो पैसा रॉ मटेरियल में लगा हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड और स्टोरेज पीरियड, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सर दे दिया. उसने कहा ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस. इन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू आई पी आ गया, फॉर 1 मंथ. तो डब्ल्यू आई पी का होल्डिंग पीरियड क्या है? 1 मंथ. दिस इज डब्ल्यू आई पी होल्डिंग पीरियड. एंड द रॉ मटेरियल्स बींग फेड इन टू द पाइपलाइन इमीजिएटली, ठीक है, वो कहता है साथ के साथ हम लोग सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को डाल देते हैं. एंड द लेबर एंड ओवरहेड एक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द मंथ. लेबर एंड ओवरहेड्स एक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द मंथ. वो कहता है रॉ मटेरियल तो हम फर्स्ट को ही डाल देते हैं, फर्स्ट को ही जितना रॉ मटेरियल चाहिए था हमने डाल दिया सारा के सारा, लेकिन लेबर और ओवरहेड्स को हम ऑन एन एवरेज यूज करते रहते हैं, पूरे महीने में इवनली यूज करते हैं. तो एवरेज निकालेंगे. अभी मैंने समझाया कि इवनली ड्यूरिंग द पीरियड जब यूज कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है. फिनिश्ड गुड्स विल स्टे इन द वेयर हाउस अवेटिंग डिस्पैच टू कस्टमर्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता है फिनिश्ड गुड्स बनकर रेडी हैं, आपके वेयर हाउस में पड़े हैं. कितनी देर के लिए? 3 महीने के लिए. वो डेटर्स को नहीं गए, 3 महीने आपके गोडाउन में पड़े हैं. तो ये 3 महीने क्या दिया गया आपको? ये 3 मंथ्स इज वॉट? फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड. मैंने यही समझाया था फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड क्या है, राइट. द क्रेडिट अलाउड बाय द क्रेडिटर्स इज 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल बाय द क्रेडिटर्स. जिससे मैंने पैसा खरीदा, क्रेडिट अलाउड टू द डेटर्स इज 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच. द सेलिंग प्राइस इज 5 पर यूनिट. देर इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल. वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ. द कंपनी नॉर्मली कीप्स द कैश इन हैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. ठीक है, क्लियर है. अब इस चीज से समझने की कोशिश करो. एक बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, हम छोड़ दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, छोड़ दो, कुछ नहीं. मैंने किसी से सामान लिया, ठीक है, मैंने किसी से 20,000 का सामान लिया. वो कहता 20,000 का सामान ले जाओ, मुझे दो महीने बाद पेमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है. ठीक है जी, मैं सामान लेके आ गया, रॉ मटेरियल लेके आ गया, मैंने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना शुरू किया, मैंने डेटर्स को सेल किया. ठीक है, अब जब डेटर्स को मैंने सेल किया तो डेटर्स को मैंने 25,000 का सेल किया, लेकिन मैंने कहा पैसे 3 महीने बाद दे देना. ठीक है, अब जब डेटर से तो पैसे आने हैं 3 महीने बाद, 25,000 रुपये, मैंने 20,000 देना है 2 महीने बाद, तो मैं कैसे दूंगा? सर वर्किंग कैपिटल होगी तभी मैं दे पाऊंगा. यही मैंने समझाया था जब ऑपरेटिंग साइकिल डिस्कस किया था, मैंने यही तो समझाया था. ठीक है ना, 30 डेज 60 डेज यही लेके समझाया था, वही कॉन्सेप्ट आ गया. ठीक है, तो बिल्कुल अभी सिर्फ लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों से बात कर रहा था कि कैसे हम लोगों को इसको डील करना है, करेक्ट. चलो जी करें. अब क्या करेंगे, हमने कहा जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालनी है तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग से आइडेंटिफाई करना है. किसको? रॉ मटेरियल को अलग से करना है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो जब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है हमें. उसने कहा रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 मंथ्स बिफोर द इश्यू टू प्रोडक्शन. ये तो ठीक है, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है, समझ में आ गया. ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? वो कहता है द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस. वो कहता है सेलिंग प्राइस का 60% इज माय रॉ मटेरियल की कॉस्ट. इस लाइन का मीनिंग ये है कि जितनी मेरी सेलिंग प्राइस थी उसका 60% इज माय रॉ मटेरियल की कॉस्ट फॉर द ईयर. तो सर सेलिंग प्राइस क्या थी मेरी? सेलिंग प्राइस क्या थी? 5 पर यूनिट, और यूनिट्स कितने थे? 60,000. तो मुझे ये बताओ टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर कितनी हुई? टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट
for the year कितनी हुई? आपने एक साल में कितने यूनिट बनाए? 60,000 यूनिट्स। कितने पे बेचे? 5 रुपए पे। तो ये क्या आ गई आपके पास? सेल वैल्यू आ गई। वो कहता है इस सेलिंग प्राइस का 60% इज योर रॉ मटेरियल की कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट हुई 1,80,000। ठीक है, तो ये तो थी पूरे साल की, राइट। उसके बाद क्या आएगा? मंथली, मंथली रॉ मटेरियल कॉस्ट। सर हमने डे वाइज क्यों नहीं निकाली? क्योंकि जो हमें होल्डिंग पीरियड्स दिए हैं वो मंथली दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको होल्डिंग पीरियड्स डे वाइज दिए होंगे तो डे से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट कि सर अगर हमें डे वाइज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो हमें डेज कितने लेने हैं? 365 लेने हैं या 360 लेने हैं? अगर तो आपको क्वेश्चन में दिया गया कि कितने लेने हैं तो उसके अकॉर्डिंग लो, अगर नहीं दिया गया तो आप एक नोट दे दो। ठीक है, एजम्पशन ले लो, चाहे 360 ले लो चाहे 365 ले लो, दोनों तरह से आपका आंसर करेक्ट होगा। सिर्फ एक साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट ले लो दैट वी हैव एज्यूम्ड द ईयर टू बी 360 डेज और 365 डेज। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना। तो मंथली रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होगी मेरी? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी, ₹15,000। तो अब मेरा रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड क्या है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज माय 2 मंथ्स। क्लियर है? तो अब निकाल सकते हो एवरेज रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, एवरेज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो कितनी होगी? मैंने कहा मंथली, मंथली रॉ मटेरियल कॉस्ट, मंथली रॉ मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आरएम होल्डिंग पीरियड। ठीक है जी, मंथली रॉ मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। ठीक है, तो मंथली रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है? 15,000, और रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड क्या है? 2। तो मुझे 2 महीने के लिए 30,000 की वर्किंग कैपिटल की रॉ मटेरियल में रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? सर ये तो फॉर्मूला कुछ और लिखवा दिया, लास्ट लेक्चर में कुछ और करवाया था, वही था, वही चीज है, कोई फर्क नहीं करवाया मैंने, वही चीज है। कैसे? टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 12, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट थी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग पीरियड, वही तो किया मैंने। ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है हमारा, सेम ही चीज की है मैंने, कोई इसमें डिफरेंस नहीं किया। ठीक है जी, चलो अब दूसरी चीज, रॉ मटेरियल के बाद दूसरा क्या आता है? WIP। सर अब ये इंपॉर्टेंट है, अब WIP के बारे में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, इसलिए मैंने करवाया था कि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर। अब उसने क्या कहा? उसने कहा ईच यूनिट, अब ये पार्ट ध्यान से समझना, ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ। एक चीज तो क्लियर होगी कि WIP का होल्डिंग पीरियड जो है दैट इज 1 मंथ। अगर हम लोग WIP होल्डिंग पीरियड की बात करें, WIP होल्डिंग पीरियड की बात करें तो दैट इज 1 मंथ। ठीक है जी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, द रॉ मटेरियल्स बी फेंट इन टू द पाइपलाइन इमीजिएटली एंड लेबर एंड ओवर हेड कॉस्ट एक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द मंथ। वो कहते हैं रॉ मटेरियल तो हमने साथ के साथ डाल दिया जी, ठीक है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो उसी टाइम हो गई हमारी। अब क्या हुआ? अब मैंने क्या कहा था, रॉ मटेरियल के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सॉरी, WIP के सबसे पहला है रॉ मटेरियल, फिर कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन को कॉस्ट को हम 2 पार्ट्स में ले लेते हैं, एक लेबर ले लेते हैं और एक ओवरहेड्स ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा जो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो तो मेरी इमीजिएटली मैंने फटाफट पहले ही दिन सारी की सारी डाल दी थी, मतलब रॉ मटेरियल तो पूरा कंज्यूम हो गया, 100% कंज्यूम हो गया मेरा। तो अगर 100% कंज्यूम हो गया तो 1 महीने की रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है मेरी वो WIP में ऐड हो जाएगी। तो 1 महीने की रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है बता सकते हो? सर अब भी तो निकाली थी हमने 15,000 रुपीज,
तो ये मेरी क्या होगी, वन मंथ रॉ मटेरियल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल के पूरा वो कहता हमने यूज कर दिया जी फर्स्ट को ही, ठीक है। अब आया जी लेबर। सबसे पहले तो ये बताओ लेबर की टोटल लेबर कॉस्ट क्या है, टोटल लेबर कॉस्ट क्या है? सर टोटल लेबर कॉस्ट है, उसने कहा डायरेक्ट वेजेस इज 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस इज द डायरेक्ट वेजेस। तो मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस क्या है आपकी, अब 60,000 यूनिट्स इंटू 5 रुपीज, इसका वो कहता है 10% इज माई लेबर कॉस्ट, ठीक है। ये तो होगी पूरे साल की, एक महीने की कितनी होगी, 12, ठीक है, एक महीने की 12 होगी। अब वो कहता है इंटू WIP होल्डिंग पीरियड, वो कितना है 1, मल्टीप्लाइड बाय, अगर हमें नहीं दिया गया तो लेबर को क्या लेते हैं, कितना कंप्लीशन है 50%, या एवरेज कॉन्सेप्ट लगा लो जो मैंने समझाया कि लेबर की कॉस्ट फर्स्ट को 0 थी, लास्ट डेट को 10,000 थी, तो ऑन एन एवरेज पूरे महीने में अगर यूज हुई, उसने लिखा है इवनली थ्रू आउट द पीरियड, उसने ये लाइन लिखी है, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट एक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द मंथ, और साथ में उसने ये भी चीज लिखी कि वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ, मतलब फर्स्ट को हम लोग निल कर देते हैं, जीरो कर देते हैं लेबर को, फिर एट द एंड ऑफ द मंथ जब काम करवाते हैं तो उस महीने की कॉस्ट खड़ी हो जाती है, तो हम इवनली कितनी होती है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या उसको दूसरी तरह समझ लो कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, कि 50% हम ऑन एन एवरेज 50% हम यूज करते हैं, और जितनी यूज करते हैं उतनी ही कॉस्ट हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आएगी 1250। सिमिलरली फॉर द ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स का क्या करें सर, ओवरहेड्स उसने कहा 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जब 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% ऑफ 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, एक महीने की आ गई, WIP होल्डिंग पीरियड क्या है 1, मल्टीप्लाइड बाय 50%, क्यों, क्योंकि ये भी मेरी क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया 2500। तो टोटल मेरे पास, टोटल WIP रिक्वायरमेंट क्या आ गई मेरे पास, 18,750, क्लियर। तो इसमें ये वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी हमारे पास, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आया फिनिश्ड गुड्स, वो कहता है फिनिश्ड गुड्स विल स्टे इन द वेयर हाउस अवेटिंग द डिस्पैच टू द कस्टमर्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। सर अब फिनिश्ड गुड्स की कैसे निकालें, कितने फिनिश्ड गुड्स थे दिए नहीं, वैल्यू क्या थी फिनिश्ड गुड्स की, फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू क्या थी, कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस लेते हैं, जब फिनिश्ड गुड्स की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब गुड्स प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट क्या होगी, गुड्स बनाने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट हुई, सर रॉ मटेरियल हुई, लेबर हुई, और ओवरहेड्स हुई, फिर से कॉस्ट ले लो कितनी देर की, 3 महीने की, अब ठीक है। तो फिनिश्ड गुड्स की जब हम लोग बात करेंगे तो थर्ड मेरे पास आया फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स में मुझे क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कि गुड्स को बनाने की कॉस्ट, गुड्स को बनाने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट लगी, रॉ मटेरियल लगा सर, लेबर लगी, और मेरे कुछ और ओवरहेड्स हुए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड क्या आएगी मेरे पास, अब इसमें रॉ मटेरियल कितना आएगा, रॉ मटेरियल मेरा 1 मंथ का कितना है, 15,000, तो 3 मंथ्स का क्या है मेरा, फिनिश्ड गुड्स का होल्डिंग पीरियड, तो उस होल्डिंग पीरियड की कॉस्ट क्या पड़ी, 45,000 की, ठीक है जी। सेकंड क्या है मेरे पास, लेबर, लेबर कैसे कैलकुलेट होगी, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 12 फॉर द 1 मंथ, 3 मंथ्स की कितनी हो जाएगी मेरे पास, राइट, दिस कम्स टू 7500। फिर मेरे पास तीसरे आए ओवरहेड्स, ओवरहेड्स क्या दिए हमें, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 12, ये 1 मंथ के ओवरहेड्स आ गए, और 3 मंथ्स के ओवरहेड कितने होंगे हमारे पास,
15,000, तो ये थी मेरी कॉस्ट 3 महीने की कॉस्ट 67,500। क्लियर है? 67,500 जो थी वो मेरी कॉस्ट थी। सर इसको तो हम सिंपली कर सकते थे क्या, WIP की 1 महीने की निकाली कॉस्ट। WIP में भी क्या यूज करते हैं हम, WIP में भी तो यही यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जब 1 महीने की निकाल ली थी तो 3 महीने की सीधा उसकी 1 महीने से 3 × 3 कर देता, वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर ऐसे करोगे तो एग्जामिनर को एक चीज पता चलती है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, उसको ये चीज पता चलती है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अब चौथी चीज आई मेरे पास, क्या आ गया सर? अब हमने रॉ मटेरियल भी कर लिया, WIP भी कर लिया, फिनिश्ड गुड्स भी कर लिया। अब आते हैं डेटर्स पे, अब आते हैं इस पार्ट पे। डेटर्स का पीरियड कितना है? 3 मंथ्स है। डेटर्स की वैल्यू क्या है? डेटर्स के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, कि जो सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या थी मेरे पास। फोर्थ मेरे पास क्या आएगा? डेटर्स। अब डेटर्स के लिए मेरे को क्या चाहिए? डेटर्स के लिए मेरे को चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। अरे सर अब ये कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगी? कॉस्ट शीट याद करो, मैंने इसीलिए कहा कि कॉस्टिंग पहले अच्छे से पढ़ लो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो, क्योंकि कॉस्टिंग का बहुत कुछ यूज होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे है, कॉस्ट शीट याद करो, कैसे निकालते थे? मटेरियल, ठीक है जी, प्लस वेजेस, प्लस और क्या आएगा, ओवरहेड्स आएंगे। ठीक है, कोई फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह है नहीं हमारे पास। अब इसमें एक चीज और आएगी क्या, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, मटेरियल कितना है? 1,80,000 का। वेजेस कितनी है? 10% कर लेना उसकी। ठीक है, तो मेरे पास वेजेस आएंगी 30,000 की, ओवरहेड्स आएंगे 60,000 के, राइट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और क्लोजिंग क्या है? सर इस क्वेश्चन में मैं मान के चलूंगा कि जो मेरी इन्वेंट्री थी वो मेरा, उसने उसने एक चीज लिखी है, उसने कहा ऑपरेटिंग साइकिल मेरा लगातार चलता जा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं बच रही, मतलब जितना मेरा ओपनिंग था उतना ही मेरा क्लोजिंग है। वो कहता है कि लगातार उसमें मेरा साइकिल जो है वो चलता जा रहा है, ओपनिंग भी 67,500 था, तो एक यूनिफॉर्म लेवल हम मेंटेन कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये एक एजम्पशन है 67,500। तो ये मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ गई, दिस कम्स टू रुपीज 2,70,000। तो जब 2,70,000 आ गई तो एवरेज डेटर्स निकाल सकते हो आप लोग, एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू 2,70,000। ये तो थी टोटल 1 महीने की कितनी, और 3 महीने का हमने डेटर्स को टाइम दिया है। सर कहाँ दिया 3 महीने का, ये दिया 3 मंथ्स, राइट? तो 3 मंथ्स का जब हमने टाइम दिया डेटर्स को, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है, तो दिस कम्स टू रुपीज 67,500। क्लियर? अब आया जी ये, यहां तक हमारे एसेट्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब आया हमारे पास अगला पार्ट। सर अगला पार्ट कौन सा, सॉरी इसमें एक चीज और, कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है, वो उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट आया मेरे पास क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स किस चीज के होंगे, रॉ मटेरियल के होंगे। उसने कहा क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड क्या है, 2 मंथ्स। क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड क्या है, 2 मंथ्स का। ठीक है जी, तो जब क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड मेरा 2 मंथ्स का है, अब क्रेडिटर किस चीज के होंगे, रॉ मटेरियल के होंगे। तो रॉ मटेरियल कितना है मेरा, 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। ठीक है,
और एक महीने की निकाल लूंगा मल्टीप्लाइड बाय 12, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा इसको, क्लियर है, ₹30,000। तो 30,000 जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट किस में है, क्रेडिटर्स को है जो पे करनी है, क्लियर है। क्योंकि ये हमने यही चीज क्यों ली, क्योंकि क्रेडिटर किसके लिए होंगे, हमेशा क्रेडिटर होंगे रॉ मटेरियल के। तो रॉ मटेरियल की मेरी कॉस्ट क्या बन रही है, 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। अब सर क्या कोई एक्सपेंसेस भी हैं हमारे पास, क्या कोई क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस भी हैं? नहीं सर कुछ नहीं है। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस क्या हमारे पास, कुछ भी तो नहीं है। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, कौन से, वेजेस एंड ओवरहेड्स। सर वो कैसे पता चला, क्योंकि उसने कहा कि जो अप्रैल की वेजेस हैं या अप्रैल के जो ओवरहेड्स हैं वो हम कब पे कर रहे हैं, मई में। तो जो एक्सपेंसेस का ये होल्डिंग पीरियड है वो कितना हुआ, 1 महीने का हुआ, ठीक है। तो ये भी तो कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो क्रेडिटर्स के बाद मेरे पास जो सिक्स्थ पार्ट आया दैट इज वेजेस। वेजेस आएगा मेरे पास 10% ऑफ 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1। क्यों, 1 मंथ का होल्डिंग पीरियड है, हम 1 महीने बाद वेजेस पे करनी है हमें, क्रेडिटर्स को 2 के बाद करनी थी, वेजेस हमने 1 के बाद करनी है। तो दिस कम्स टू 2,500। ऐसे ही हमारे पास ओवरहेड्स आए, ओवरहेड्स आर 20%, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज, दिस कम्स टू 5,000, ठीक है जी। अब क्या आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, सर सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, क्या आ गया, रॉ मटेरियल भी आ गया हमारे पास, WIP भी आ गया, फिनिश्ड गुड्स भी आ गए, डेटर्स भी आ गए, क्रेडिटर्स वेजेस ओवरहेड्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। क्या आप एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बना सकते हो? सर बिल्कुल सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया गया, तो हम छोड़ सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अब क्या होगी मेरे पास, अगर मुझे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करनी हो, एस्टिमेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन क्या होगी, अब रॉ मटेरियल कितना था मेरा वो ऐड होगा, ठीक है जी, प्लस WIP प्लस फिनिश्ड गुड्स प्लस डेटर्स, राइट, प्लस और क्या ऐड करेंगे, मिनिमम कैश बैलेंस, ये मत भूल जाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन, ये आपको दिया गया क्वेश्चन में ये रहा 20,000, ठीक है जी। तो यहां तक क्या आ गई, आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गई माइनस क्रेडिटर्स, राइट, माइनस वेजेस माइनस ओवरहेड्स, ठीक है। तो ये सब बन के आपके पास जो वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन आ जाएगी कि वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए 1,66,250 की, ठीक है। ये सब आप लोगों ने निकाल लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये 20,000 आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। और नेट आपके पास जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आई दैट इज 1,66,250 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से हम लोग वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन आए, थोड़ा मुश्किल भी लगे, ठीक है, लेकिन उसको एक एक स्टेप करके जाओ। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल को पक्का करो, ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इसके फॉर्मूलाज किए थे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको डिस्कस करो, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फिर बात करो WIP की, WIP अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब जब WIP का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आप इस क्वेश्चन के ऊपर जाओ, ठीक है। कोशिश की है मैंने WIP, अगर WIP का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर चाहिए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अच्छे से एक बार पढ़ लो, ठीक है। चलो जी सर, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू
क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सर ये क्या चीज़ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे. इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक है, चलो. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फ्रेंड्स, यू कैन सेंड मी एन ईमेल एट ksjteaching@gmail.com, राइट. एंड रिगार्डिंग द वेबसाइट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर दैट ऑल द अपडेट्स विल नाउ बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड नॉट थ्रू द ईमेल कम्युनिकेशंस, राइट. और आई विल बी कम्युनिकेटिंग थ्रू टेलीग्राम ऐप. सो इफ यू विश टू ज्वाइन मी, इफ यू विश टू यू नो हैव इंटरेक्शन विद मी, हैव ऑल द अपडेट्स, यू कैन ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम ऐप. द लिंक विल आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, राइट. सो द लिंक विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम ऐप ऑल्सो, आई विल बी अवेलेबल ऑन दैट, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.